अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने 4 से 5 बॉयल आलू लिए हैं, इन्हें मैंने मैश कर लिया है, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। इन्हें हम टेस्टी बनाने के लिए इनमें ऐड करेंगे मसाले। 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 इंच बारीक कटा अदरक ऐड करेंगे, 1 बारीक कटी प्याज ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्ची ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच मिक्स हर्ब ऐड करेंगे, जिससे इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 कप कटा हरा धनिया ऐड करेंगे। सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सभी मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इनके हम बोल बना लेंगे। जितने भी बड़े हमें रोल बनाने ना उसके हिसाब से हम बोल बना लेंगे, इससे हमें रोल बनाने में आसानी होगी। पूरे मिक्सर की हम पहले बोल बना के रख लेंगे। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितने बड़े भी आपको रोल चाहिए आप उसके हिसाब से बना लें। मैं सभी के बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरे मिक्सर के बोल बना लिए हैं, ये लास्ट भी बन गया है। इन्हें हम साइड में रखेंगे, ब्रेड स्लाइस लेंगे, इनकी साइड को हम ट्रिम करेंगे। साइड ट्रिम करने से हमारे जो रोल हैं उनमें फिनिशिंग आ जाएगी। सभी स्लाइस की साइड को हम ऐसे ट्रिम कर लेंगे। देखिए मैंने सभी को ट्रिम कर लिया है। इनके जो साइड है ना हम फेंकेंगे नहीं, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इन्हें साइड में रखेंगे, एक बोल में पानी लेंगे, एक स्लाइस उठाएंगे और पानी में हल्का सा डिप करेंगे, बहुत देर तक नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा डिप करेंगे। और दोनों हाथों के बीच में रख के इनका पूरा पानी निकाल देंगे। ऐसा करने से ना ब्रेड स्लाइस जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और हम अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए इसका पूरा पानी निकल गया है। एक हम बॉल उठाएंगे, इसके अंदर रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे, इसे शेप देंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, देखिए बन गया है। इसे साइड में रखेंगे, ऐसे ही हम बाकी के भी बना लेंगे। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। एक स्लाइस लेंगे, पानी में हल्का सा डिप करेंगे, बहुत देर तक बिल्कुल भी डिप नहीं करेंगे नहीं तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों हाथों के बीच में रख के पूरा पानी निकाल देंगे। एक बॉल लेंगे, इसके अंदर रखेंगे, इसे शेप देंगे, दोनों हाथों से दबाएंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं, आप बॉल भी बना सकते हैं, जो भी साइज़ आपको पसंद है या जिस शेप की भी आपको पसंद है आप बना सकते हैं। हम बाकी के भी ऐसे बना लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। मैं सभी को तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सभी ब्रेड रोल बन गए हैं। इन्हें हम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रिज में रखने से ना ये ऑयली नहीं होंगे। देखिए 1/2 घंटा हो गया है, मैंने फ्रिज से रोल को निकाल लिया है, इन्हें हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, एक एक रोल लेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे, बहुत सारे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट लगती है फ्राई होने में। इन्हें हिला देंगे जिससे सब तरफ एक जैसा कलर आए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, गोल्डन कलर आने पे निकाल लेंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए अभी थोड़ा लाइट कलर है, 30 सेकेंड के लिए और फ्राई करेंगे, जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो निकाल लेंगे। देखिए फ्राई हो गए, गोल्डन कलर के हो गए, निकाल लेते हैं।
देखिए माशाल्लाह देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बच्चे तो एकदम देखते ही खुश हो जाएंगे। बहुत आसान रेसिपी और बहुत टेस्टी बनते हैं। बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं, एक एक करके डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये एकदम ऊपर से जल जाएंगे, अगर ठंडे में डालेंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे। देखिए ये भी फ्राई हो गए, इन्हें भी निकाल लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इन्हें बना के स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल के फ्राई कर लें। आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़। देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये फ्राई हुए हैं और एकदम क्रिस्पी बने हैं। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं।